नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोविड-19 के मिले 1000 से कम मामले। वाहन चालक का परमिट के लिए इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री आज करेंगे बैठक। ओ माय गॉड 2 में पंकज त्रिपाठी की हो सकती है एंट्री। ओवरलोडेड गाड़ियों की अब बिहार में होगी ऑन स्पॉट जांच। 10वीं पास के लिए रेलवे ने निकाली भर्तियां। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वाहन चालक का परमिट के लिए इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार परिवहन विभाग ने बीते दिन वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत विभाग ने सभी वाहन चालकों को परमिट बनवाने के लिए 20 जून तक आवेदन करने का समय दे दिया है। पहले यह तारीख 30 अप्रैल ही थी। उप परिवहन आयुक्त ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा। विभागीय निर्देश के अनुसार सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले वाहन स्वामी परमिट के लिए 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र की मूल प्रति 2 जुलाई तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र की मूल प्रति जमा नहीं करने की स्थिति में परमिट के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। बिहार में कोविड-19 के मिले 1000 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 920 कोविड-19 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 8707 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 32, अरवल में 8, औरंगाबाद में 9, बांका में 4, बेगूसराय में 34, भागलपुर में 24, भोजपुर में 9, बक्सर में 7, दरभंगा में 49, ईस्ट चंपारण में 32, गया में 24, गोपालगंज में 39, जमुई में 8, जहानाबाद में 1, कैमूर में 7, कटिहार में 50, खगड़िया में 6, किशनगंज में 44, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 24, मधुबनी में 52, मुंगेर में 29, मुजफ्फरपुर में 50, नालंदा में 20, नवादा में 9, पटना में 87, पूर्णिया में 48, रोहतास में 5, सहरसा में 22, समस्तीपुर में 14, सारण में 5, शेखपुरा में 1, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 7, सिवान में 18, सुपौल में 56, वैशाली में 23, वेस्ट चंपारण में 7 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ 5 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 1799 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,08,933 सैंपल की जाँच की गई है। 10वीं पास के लिए रेलवे ने निकाली भर्तियां। 10वीं पास के लिए रेलवे ने कुल मिलाकर 3,322 पदों पर भर्ती आमंत्रित की है, जिसके तहत फिटर, वेल्डर, पेंटर समेत विभिन्न ट्रेडर्स के लिए ही भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून 2021 है। सबसे खास बात यह है कि अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा और इंटरव्यू नहीं होगी। ये भर्ती 10वीं कक्षा और ITI कोर्स में प्राप्त मार्क्स के आधार पर होगी। दोनों के मार्क्स को बराबर वेटेज दिया जाएगा। इन मार्क्स के आधार पर एक मेरिट बनेगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा, जिसके बाद अब इच्छुक उम्मीदवार www.sr.railways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे, इस भर्ती के लिए डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। ओवरलोडेड गाड़ियों की अब बिहार में होगी ऑन स्पॉट जांच। परिवहन विभाग का बिहार में ओवरलोडेड गाड़ियों पर सख्ती दिखाने के मिजाज में नजर आ रहा है, जिसके तहत विभाग ने ओवरलोडेड गाड़ियों की ऑन स्पॉट जांच करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए परिवहन विभाग अगले महीने तक 20 पोर्टेबल वीपैड की खरीदारी करेगा। यह सभी मशीनें कंप्यूटर से जुड़ी होंगी, जिसे कभी भी किसी भी जगह ले जाया जा सकता है। इस मशीन की खरीद के बाद ओवरलोडेड गाड़ियों पर और सख्ती बढ़ जाएगी। जानकारों की माने तो मशीन आ जाने के बाद ओवरलोडेड गाड़ियों पर रोक लगाने के अभियान में काफी ज्यादा तेजी आ जाएगी। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न जगहों पर वे ब्रिज का निर्माण होगा, जिससे कि वहां गुजरने वाली ओवरलोडेड गाड़ियों के आते ही लाल बत्ती जलने लगेगी और वाहन का असली वजन सामने आ जाएगा। BAU ने नए आइडिया को 25 लाख रुपए तक का अनुदान देने का किया ऐलान। BAU ने हाल ही में नए आइडिया के लिए 25 लाख तक रुपए का अनुदान देने का ऐलान किया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार अंतर्गत वित्त पोषित परियोजना संचालित किया जा रहा है। इसके तहत सबौर एग्री इनक्यूबेटर्स सेंटर की स्थापना की गई है। इनमें कृषि उद्यमिता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत सबमंग और स्टार्टअप एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन कार्यक्रम के तहत स्वावलंबी योजना चल रही है। इन योजना के तहत कृषि से जुड़े उद्यम करने वाले नए आइडिया युवा अगर लेकर आते हैं तो उन्हें इस उद्यम को लगाने के लिए प्रशिक्षण देकर उद्यमी का व्यक्तित्व सहित सभी ज्ञान से अपडेट किया जाएगा। उसके बाद उद्यम अनुसार 5 लाख से 25 लाख तक अनुदान के लिए चयनित कर सरकार के पास सारी जानकारी भेजी जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन की। बाबा नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 ईसा को अपने ननिहाल सतलखा मधुबनी में हुआ था। इनका पैतृक गांव तरौनी दरभंगा था। इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत और बंगला में मौलिक रचनाएं की तथा संस्कृत, मैथिली एवं बंगला में अनुवाद कार्य भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु इन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। काशी में रहते हुए इन्होंने वैदा उपनाम से भी कविताएं लिखी। श्रीलंका में विद्यालंकार परिवेन में नागार्जुन नाम ग्रहण किया। आरंभ में इनकी हिंदी कविताएं यात्री के नाम से ही छपी। कुछ मित्रों के आग्रह पर इन्होंने हिंदी में नागार्जुन के अलावा किसी नाम से न लिखने का निर्णय लिया था। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी। बिहार के कम अंक आने वाले अमीनों की अब जाएगी नौकरी।
बिहार में लापरवाही दिखा रहे अमीनों की नौकरी जाने वाली है, जिसके तहत आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण में देरी करने वाले अधिकारी और अमीन दोनों को लापरवाही पर सरकार माफ करने वाली नहीं है। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग ने प्रशिक्षण के बाद हुई परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, जिसके तहत फिलहाल 10% से कम अंक लाने वाले अमीनों को नोटिस देकर सेवा से हटाया जा रहा है। वहीं 40% से कम अंक लाने वाले अमीनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनकी संख्या अभी 75 बताई गई है। इसके साथ ही जिन अमीनों के नंबर 10 से 40 के बीच आए हैं, उनको एक मौका और दिया जाएगा, जिसमें अगर वो अपनी योग्यता साबित नहीं कर सके तो वो उनकी नौकरी चली जाएगी। कैदियों से सीधी मुलाकात की सेवा हुई बंद। बिहार के जेलों में कैदियों के साथ सीधी मुलाकात की सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब केवल कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिलने की इजाजत दी जाएगी। इतना ही नहीं, प्रशासन की तरफ से सीमित लोगों से मिलने की इजाजत दी गई है, जिसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद कैदी अपने परिजनों, डॉक्टर और अधिवक्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। जेल प्रशासन द्वारा मुलाकात की सभी सुविधा का उपयोग करने के लिए इच्छुक लोगों भारत सरकार के ई प्रिजन के वेब पोर्टल www.eprison.nic.in पर निबंधन करना होगा। इसके बाद मुलाकात से संबंधित सत्यापन के बाद प्रशासन मुलाकात की अनुमति देगा। इसके साथ ही मुलाकात की तारीख और समय मोबाइल पर मैसेज के रूप में भेजा जाएगा। बिहार में बनेगा डबल डेकर फ्लाईओवर। राजधानी पटना के अशोक राजपथ के जाम से आप लोगों को छुटकारा मिलने वाला है, जिसके तहत पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने की तैयारी हो रही है। कारगिल चौक से साइंस कॉलेज NIT तक डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने जाने की चर्चा है। इसके तहत अगले महीने से इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पथ निर्माण विभाग के अनुसार राजधानी पटना के कारगिल चौक में NIT तक बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 8 एजेंसियों की निविदा सही पाई गई थी। अब इन्हीं में से डबल डेकर निर्माण के लिए किसी का चयन किया जाएगा। आपको बता दें, राजधानी पटना का यह पहला डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। ज्ञात हो 3 साल में बनने वाला यह डबल डेकर 2.18 किलोमीटर लंबाई का होगा और इस पर 422 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बिहार में लॉकडाउन को लेकर आज आ सकता है फैसला। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए बिहार अब अनलॉक की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि सख्ती में कितनी छूट दी जाएगी या लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, ये तो आज होने वाली बैठक में ही पता चलेगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बैठक बुलाई है। उम्मीद की जा रही है कि बिहार में अभी दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है, तो इससे सरकार छूट दे सकती है। फिलहाल ऑल्टरनेट दिन पर दुकानें खुल रही हैं। ऐसे में IMA ने भी सरकार से बहुत ढील देने का आग्रह नहीं किया है। शादी ब्याह सहित अन्य कार्यक्रम में सख्ती बरतने की मांग भी की गई है। बिहार में कोविड-19 से जान गंवाने वाले हजारों मृतकों के परिजनों को मिली मुआवजे की राशि। बिहार सरकार के वादे अनुसार कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले 3,727 लोगों के परिजनों को 4 लाख के मुआवजे की राशि दे दी गई है। हालांकि अभी भी सरकार निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे नजर आ रही है, क्योंकि खबर लिखे जाने तक राज्य में अब तक कुल मिलाकर 5,319 संक्रमित की जान चली गई है। हालांकि जानकारों की माने तो राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण हुई 1,000 मरीजों की मौत से जुड़े अनुग्रह राशि के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन्हें जल्द ही मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया जाएगा, ताकि इन्हें मुख्यमंत्री राहत से 4 लाख रुपए का भुगतान हो सके। जानकारी के अनुसार जिलों से कोरोना संक्रमित मृतक मरीजों के परिजनों को भुगतान संबंधी आवेदन और दस्तावेज संलग्न कर राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजे जाते हैं। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाती है। ओ माई गॉड 2 में पंकज त्रिपाठी की हो सकती है एंट्री। बिहार से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी की ओ माई गॉड 2 में अक्षय कुमार के साथ नजर आ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस बार फिल्म में दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी लीड रोल में होंगे। वहीं अक्षय पहले की तरह ही भगवान के किरदार निभाएंगे। इस फिल्म के दूसरे पार्ट को बनाने की खबर तो पहले ही आ गई थी। अगर कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन ना होता और स्थिति इतनी ना बिगड़ी होती तो इसकी शूटिंग अब तक शुरू हो गई होती, मगर अब खबरें आ रही हैं कि इसकी शूटिंग सितंबर से शुरू हो सकती है। खबरों की माने तो इस फिल्म का सेट मुंबई में ही लगाया जा सकता है। वहीं इसके प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर दिया गया है। डिटॉल के पैकेट पर दिखेगी बिहार के ब्लड मैन मुकेश हजारिया की तस्वीर। बिहार के पटना के मुकेश हजारिया इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, जिन्हें ब्लड मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत अब डिटॉल ने उन्हें आवर प्रोटेक्टर के टैग से सम्मानित किया है। इसके साथ ही मुकेश के साथ डिटॉल कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत उनकी तस्वीर को डिटॉल प्रोडक्ट के पैक पर लगाया जाएगा। इसके साथ ही समाज के लिए संकट की घड़ी में किए गए उनके काम की भी चर्चा होगी, जिसको लेकर 6 महीने का एग्रीमेंट किया गया है। आपको बता दें, मुकेश के माध्यम से अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को खून देकर उनकी जान बचाई जा चुकी है। इसके अलावा जन सहयोग में अब तक उन्होंने 488 गरीब परिवारों की बेटियों की शादी करवाई है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हुआ जारी। बीते दिन भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए 70 मापदंड वाले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पेश किया है, जिसमें बिहार को ग्रेड 3 मिला है। इस सूची में बिहार के साथ असम, मध्य प्रदेश और मिजोरम है। वहीं पूरे ग्रेड की बात करें तो ग्रेड 1++ में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल है। ग्रेड 1+ में गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, NCT, दिल्ली, पुडुचेरी, राजस्थान, दादर और नागर हवेली है।
ग्रेड वन में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और दमन और दीव है। ग्रेड दो में गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, लक्षद्वीप, मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर है। ग्रेड तीन में असम, बिहार, मध्य प्रदेश और मिजोरम। ग्रेड फोर में अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंड। ग्रेड फाइव में मेघालय। ग्रेड सिक्स और ग्रेड सेवन में लद्दाख को रखा गया है। आईएमए ने किया रामदेव बाबा पर कार्रवाई करने का फैसला। एलोपैथी पर रामदेव बाबा के बयान के बाद से लगातार आईएमए और बाबा रामदेव एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इसी क्रम में अब रामदेव बाबा की मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसके तहत बिहार में 50 थानों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। रविवार को पटना में हुई आईएमए की बैठक के दौरान इस बात का फैसला लिया गया। आईएमए बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार एवं राजस्व विभाग डॉक्टर सुनील कुमार का कहना है कि राज्य की विभिन्न शाखाओं के सदस्यों द्वारा बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में आईएमए मुख्यालय द्वारा निर्देश दे दिया गया है। असम में मॉनसून के दस्तक के साथ ही बिहार के 12 जिलों में जारी किया गया अलर्ट। चुलचुलाती गर्मी के बीच बिहार वासियों को मॉनसून का इंतजार है। वहीं इसी बीच असम में मॉनसून के दस्तक देने के बाद बिहार वासियों को भी मॉनसून की आस जगी है। इसी क्रम में पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि सभी की नजर मॉनसून पर टिकी है। अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा कि मॉनसून कितने दिनों में बंगाल की तरफ मुड़ता है। फिलहाल प्रदेश में पश्चिमी हवाओं के कारण काफी गर्मी और उमस है। ज्यादा नमी वाले क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश भी हो रही है। पटना में स्थित मौसम विज्ञान विभाग के केंद्र ने बिहार के 12 जिलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत 10 जून तक येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां पर कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में बारिश हुई है। इन जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 64वीं परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते दिन 64वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 1465 सीटों में से 1454 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस परीक्षा में ओम प्रकाश गुप्ता टॉपर रहे हैं, उन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग मिलेगा। ज्ञात हो बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी और वरीय उप समाहर्ता के 28, बिहार पुलिस सेवा के 40, वाणिज्य कर पदाधिकारी 10, बिहार कारा सेवा के काराधीक्षक 2, आपूर्ति निरीक्षक 223, राजस्व अधिकारी 1, समकक्ष 571, नगर कार्यपालक पदाधिकारी 7, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी 133 पद पर नियुक्ति की गई है। बिहार में 13 नए स्टेट हाईवे के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। बिहार में नए स्टेट हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जिसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से बिहार में 13 नए राज्य उच्च पदों के निर्माण किए जाएंगे। इसमें से 9 राज्य उच्च पदों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है और 4 राज्य उच्च पदों को हाल ही में राज्य कैबिनेट में सहमति मिली है। इन सड़कों के निर्माण का मामला आगे बढ़ाने को लेकर बिहार राज्य पथ विकास निगम अब आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग के पास इन परियोजनाओं के रिवैलिडेशन के लिए जाने वाला है। जिन सड़क परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, उनमें राज्य उच्च पद 105 यानी कि बेतिया नरकटियागंज सड़क, कटिहार बलरामपुर यानी SH98 और YC बहादुरगंज दिघल बैंक SH99 शामिल है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का दिया न्योता। कांग्रेस ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल हो जाने का न्योता दिया है, जिसके तहत कांग्रेस दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि सहनी और मांझी भी अपने गठबंधन में खुश नहीं है। हम आह्वान करते हैं कि नीतीश जी का कि वो महागठबंधन में आए। हमारी बात भी आलाकमान में हुई है, उन्होंने कहा है कि सब लोग मिलजुल कर महागठबंधन की सरकार बनाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में आमंत्रित करते हुए अजीत शर्मा ने आगे कहा कि जिस तरह से बिहार में वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल दिख रही है, उसका एकमात्र कारण नीतीश कुमार पर भाजपा का दबाव है। भाजपा के दबाव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के लिए खुलकर विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। लालू यादव सहित राजद नेताओं ने किया रघुवंश बाबू को याद। बीते दिन स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर लालू प्रसाद यादव सहित राजनेताओं ने उन्हें याद किया, जिसके तहत लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा कि संघर्षों के साथ ही स्वर्गीय श्री रघुवंश बाबू की जयंती पर शत शत नमन। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया कि राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ समाजसेवी नेता, मनरेगा मैन, इसके साथ ही आदरणीय रघुवंश बाबू जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। वहीं राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देशानुसार राजद कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल और लॉकडाउन की पाबंदियों का पालन करते हुए अपने आवास पर पार्टी के संस्थापक सदस्य रघुवंश बाबू की जयंती मनाई गई। भाजपा ने राजद और कांग्रेस पर सोशल मीडिया से लाभ होने के लगाए आरोप। बिहार भाजपा ने राजद और कांग्रेस पर बीते दिन बड़ा आरोप लगाया है, जिसके तहत भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि इंटरनेट मीडिया आने का सबसे अधिक फायदा राजद कांग्रेस जैसे जमीन से कटे वंशवादी दलों को हुआ है। पहले छपने की मजबूरी के कारण इनके नेताओं को बाहर निकलना पड़ भी जाता था, लेकिन अब फेसबुक और ट्विटर के कारण महज 2-4 ट्वीट में ही इनकी राजनीतिक खानापूर्ति हो जाती है। उन्होंने कहा कि राजद में हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब लालू प्रसाद जी भी लाठी छोड़ ट्विटर पकड़ चुके हैं। राजद का पूरा कुनबा ही अब फेसबुक और ट्विटर पर आश्रित हो चुका है। जनसेवा इनसे पहले भी नहीं होती थी, अखबार के पन्ने वैसे ही इनके काले कारनामों से रंगे रहते हैं। अब आपदा में लापता होने के बावजूद भी इन्हें बयान देने में आसानी होती है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1539 में बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में अफगान शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की बीबी मुमताज बेगम की बुरहानपुर में 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। 1989 में भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। 2006 में भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपए देने का निर्णय लिया गया था। 1974 में भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म हुआ था। 1914 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हुआ था। पूर्व कप्तान ने भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जीतने का किया दावा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने हाल ही में 18 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को जीत का प्रबल दावेदार बताया है, जिसके तहत एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय टीम की तुलना न्यूजीलैंड की टीम से करेंगे तो खिलाड़ी की हर एक खिलाड़ी से तुलना करने पर भारत की टीम यहां पर बेहतर नजर आती है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेंट बोल्ट एक विश्व स्तरीय गेंदबाज है और केन विलियमसन एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज, लेकिन भारत हर क्षेत्र में अच्छा करने वाली टीम है। व्हाट्सएप पर आई फर्जी खबरों का आप भी कर सकते हैं आसानी से पहचान। व्हाट्सएप पर आई खबर फर्जी है या सही, इस बात का आकलन अब आप खुद कर सकते हैं, जिसके तहत आपको जब भी फॉरवर्ड मैसेज मिले तो उसकी जांच जरूर करें। फॉरवर्ड मैसेज के दावों तथ्यों की पहली जांच गूगल पर सर्च करके किसी भरोसेमंद सोर्स से करें। PIB के फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल पर भी एक बार चेक करें। फॉरवर्ड किए गए मैसेज को किसी दूसरे को फॉरवर्ड करने से बचें। मैसेज पर यकीन होने के बाद ही उसे आगे किसी को भेजे तो तुरंत डिलीट करें। सेहत संबंधी मैसेज आपको मिले तो विशेष सावधानी बरतें। जो भी फोटो या वीडियो व्हाट्सएप पर मिले तो उसकी जांच करें। जब कोई मैसेज आपको मिले तो उसका लिंक की भी आप जांच जरूर करें। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,310 रुपए था। मई 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,310 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 96.90 रुपए प्रति लीटर थी। मई डीजल 90.... कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, गुंजन कुमार, गौतम मांझी, रघुनाथ राम, मनु कुमार, असलम राज, अमरेश कुमार, सुधीर कुमार, नवनीत कुमार, प्रवेश वारसी, सोनाली कुमारी, रवि, राजीव रंजन, विनय कुमार, अजीत सिंह, राजेश मुखिया, सुशील कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार लॉकडाउन को लेकर आज होने वाली बैठक में सरकार को और ज्यादा छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहने देना चाहिए या लॉकडाउन को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।